हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज किस वीडियो में हम लोग दोबारा से मैथबस्टर को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हो। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और राइट गाइस, हमारा पहला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर बोट को एक्सपॉन करते हैं उसके बाद उसके बगल में अगर ऑटो को एक्सपॉन करेंगे तो दोनों में एक साथ बैठेंगे तो होगा मैजिक। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैंने 3001 के चीट कोड से बोट को एक्सपॉन दिया है और 8370 के चीट कोड से मैं जल्दी से ऑटो को भी स्पॉन कर देता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, हमारा ऑटो जो था वो आ चुका है और जल्दी चलते हैं इन दोनों के बीच में और देखते हैं भाई बैठ के कौन सा मैजिक होने वाला है। तो भाई यहाँ पे दोनों का ऑप्शन आ चुका है बैठने के लिए, इसीलिए मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे भाई जो अपना ऑटो था भाई ये तो चल रहा है, पर भाई यहाँ पे कौन सा मैजिक हो रहा है मुझे अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई मुझे लगता है इससे एग्जिट लेने के बाद क्या पता कुछ हम लोग को मैजिक देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से मैं इससे एग्जिट ले लिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को जो करेक्टर था भाई वो नीचे गिर चुका। तो भाई इसलिए मिथ ये कंफर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल राइट गाइस, हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर बोट को एक्सपॉन करेंगे उसके बाद अगर हम लोग ऑटो को एक्सपॉन करेंगे और भाई स्काई फॉल लगाएंगे तो होगा मैजिक। जी हाँ गाइस, तो 3301 के चीट कोड से मैंने बोट को एक्सपॉन कर लिया है और 8370 के चीट कोड से मैंने जो है ऑटो को भी एक्सपॉन कर लिया है। तो जल्दी चलते हैं इनके बीच में। उससे पहले मैं 9129 के चीट कोड से इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इन दोनों के बीच में और भाई दोनों को ऑप्शन आ रहा है 1120 के चीट कोड से मैंने जल्दी से स्काई फॉल लगा दिया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर बैठने के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो कैरेक्टर था भाई उसके अंदर बैठ चुका है। उसके साथ साथ हम लोग का जो ऑटो था भाई वो गायब हो चुका है। जी हाँ गाइस, हम लोग का जो ऑटो था भाई वो अपने जगह से यानी कि अपने प्लेस से जो है वो गायब हो चुका है और भाई हम लोग को बहुत ही दूर दूर तक नहीं दिख रहा हो। भाई जो कैमरा एंगल है वो एक तरह मतलब एक जगह पर लॉक हो चुका है। अब हम लोग कैमरा एंगल भी नहीं चेंज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, उसके साथ साथ हम लोग का जो ऑटो था भाई वो पता नहीं कहाँ गायब होकर चला गया है। तो भाई ये कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट गाइस, हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर आने के बाद आज इस टूल के अंदर लिखते हैं हाउस कलर रेड या फिर ब्लू, तो भाई पहले जो डार्क कलर में होता था अपने गेम के अंदर, पर अपने गेम के अंदर जब से नया अपडेट आया उसके बाद अगर हम लोग हाउस कलर कोई भी कलर अगर करते तो भाई वो लाइट में हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ आज इस टूल के अंदर और आज इस टूल के अंदर आने के बाद मैं जल्दी से लिख देता हूँ हाउस कलर रेड। जी हाँ गाइस, जब तक मैं हाउस कलर रेड लिख रहा हूँ तब तक अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पे मैंने हाउस कलर रेड लिख दिया, उसका सही पे क्लिक भी कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो हाउस का कलर था वो रेड में हो चुका है। उसके साथ साथ भाई कितना लाइट में भी हो चुका है ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ दूसरा कलर करने के बाद। अब इस बार मैं करने वाला हूँ हाउस कलर ब्लू। जी हाँ गाइस, हाउस कलर ब्लू जल्दी से हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे भाई मैंने हाउस कलर ब्लू लिखने के बाद ब्लू कलर जो है उसको कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं भाई जो ब्लू कलर है वो भी हो चुका है, वो भी लाइट में हुआ है। जी हाँ गाइस, पहले जो तो अपना अपडेट हुआ है नहीं था उसके पहले भाई ये बहुत ही ज़्यादा डार्क में होता था। इस बार मैं हाउस कलर ग्रे लिख देता हूँ। जी हाँ गाइस, हाउस कलर ग्रे लिखने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो हाउस का कलर था वो ग्रे कलर में हो चुका है। तो भाई ये मिथ जो है मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। और भाई आप लोग देख सकते हैं जो हाउस का लुक है भाई वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, पहले से तो अच्छा आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के दूसरे मिथ की तरफ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल राइट गाइस, हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर न्यू प्लेयर्स ऐड हुए हैं। जी हाँ गाइस, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई सामने वाला न्यू प्लेयर जो है इसका अगर हम लोग टॉप फ्लोर पे चलेंगे उसके बाद भाई यहाँ पे एक भाई जगह है जहाँ से हम लोग आराम से नीचे गिर जाएंगे। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ इस वाले टावर के ऊपर। जी हाँ गाइस, ये एक टावर है भाई। ये क्या हो रहा भाई, हम लोग सीधा इसके अंदर क्यों चले गए? यहाँ गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस टावर के अंदर जा चुके हैं भाई, लेकिन हम लोग को इसके अंदर नहीं जाना है, हम लोग को इसके ऊपर ही उतरना पड़ेगा तभी हम लोग इस मिथ को ट्राई कर पाएंगे। तो जी हाँ गाइस, मैं सब इससे एग्जिट ले लेता हूँ। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं भाई मैं इससे एग्जिट ले चुका हूँ।
उसके बाद आप मुझे इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेना रहेगा, वरना अगर मैं गलती से गिर गया उसके बाद हम लोग आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे कि हम लोग कहाँ से गिरे थे। तो 9129 के चीट कोड से मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगा लिया है और भाई यहीं कहीं से भाई जो गड्ढे थे वो मिल गए हम लोग को। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो करेक्टर है भाई वो नीचे गिर चुका है यहाँ का भाई। हम लोग जो है भाई बहुत ही ऊपर से भाई इस वाले जो टावर आप लोग देख पा रहे हैं भाई इस वाले टावर के भाई फर्स्ट फ्लोर से हम लोग सीधा नीचे गिर चुके हैं। तो हम लोग की जो हड्डी थी भाई पूरी टूट चुकी है और आप लोग सामने देख पा रहे भाई यहाँ पे एक स्टेयर गई हुई है, लगता भाई ऊपर वाले फ्लोर पे भी कुछ है। तो जल्दी से हम लोग इस सीढ़ी से ऊपर चलते हैं तो देखते हम लोग इस सीढ़ी के ऊपर जा पाते हैं कि नहीं। भाई थोड़ा सा मैंने ट्राई किया तो भाई हम लोग इसके ऊपर आराम से चढ़ पा रहे थे। तो जल्दी चलते एक बार और ट्राई करते क्या पता हम लोग इसके ऊपर चढ़ जाए आराम से। वैसे भाई ये जल्दी होता नहीं है पर भाई देखते हैं क्या होता है। भाई चढ़ तो भाई पा रहे हैं यहाँ कैसे हम लोग बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और भाई ये क्या लगता है मेरा पैर फिसल गया और हम लोग नीचे आ चुके हैं। मुझे लगता है भाई हम लोग इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकते, तभी भाई ये मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो बिना किसी देरी के चलते दूसरे मिथ की तरफ। ऑल राइट गाइस, हमारा अगला मिथ है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर स्टिकी मैन बनते उसके बाद अगर दो ऑटो को एक साथ करेंगे और भाई उनके अंदर बैठेंगे तो होगा मैजिक। जी हाँ गाइस, तो इसमें इसको ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टिकी बम फैला देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर इन्फिनाइट हेल्थ लगा के उसका स्काई फॉल लगा के इसके ऊपर जंप लगाएंगे तो देखते भाई क्या होता है। हम लोग अगर स्टिकी मैन बन गए उसके बाद अगर हम लोग अपने गेम के अंदर ऑटो को स्पॉन करके अगर ऑटो के ऊपर बैठेंगे यानी कि ऑटो के अंदर बैठेंगे तो भाई बहुत ही भयंकर मतलब मैजिक हो जाए। तो इसमें इसको ट्राई करने के लिए भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टिकी बम जो उसको लगा दिए, उसके बाद जल्दी से हम लोग चलते हैं अब इसके ऊपर और देखते भाई क्या कौन सा मैजिक होने वाला है। राइट गाइस, मैं आ चुका हूँ स्टिकी बम के ऊपर और भाई यहाँ पे आने के बाद जल्दी से मैं इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ। 9129 के चीट कोड से हम लोग का जो इन्फिनाइट हेल्थ था वो लग चुका है और 1120 के चीट कोड से हम लोग ने इन्फिनाइट हेल्थ के साथ साथ स्काई फॉल भी लगा दिया है और हम लोग का जो करेक्टर भाई वो स्काई फॉल लग चुका है इसके ऊपर और हम लोग अब नीचे गिरने वाले हैं। तो ऑल राइट गाइस, मैं नीचे गिर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं हम लोग बन चुके हैं स्टिकी मैन। यहाँ गाइस अब हम लोग बन चुके हैं स्टिकी मैन और अब हम लोग जल्दी से ऑटो को स्पॉन कर लेते हैं। जी हाँ गाइस, जल्दी से यहाँ पे मैं दो ऑटो को स्पॉन कर लेता हूँ। 8370 के चीट कोड से हम लोग का जो ऑटो था वो आ चुका है और इसके ऊपर मैं एक और ऑटो को स्पॉन कर लेता हूँ। तो भाई अगला ऑटो का चीट कोड भी यही होने वाला है। तो यहाँ पे भाई जो दो ऑटो थे वो आ चुके हैं, उसका जल्दी चलते हैं इन दोनों के बीच में। राइट गाइस, भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर बैठ भी चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ये भाई बहुत ही भयंकर भाई यहाँ पे धमाका हो चुका है। भाई जो दूसरा ऑटो था भाई वो इसके ऊपर से उड़ के भाई बहुत ही दूर जाके गिरा है और भाई जो ये वाला ऑटो था भाई ये भाई यहीं पर एक जगह भाई गोल गोल घूम रहा है और इसके भाई साइड साइड से बहुत सारी चिंगारियां भी निकल रही। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और अगर हम लोग कैमरा एंगल चेंज करेंगे तो अपना कैरेक्टर भाई वैसे ही बैठा है जैसे हम लोग का कैरेक्टर बैठता था। तो भाई ये मिथ कंफर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी मिथ की तरफ और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं लास्ट और आखिरी मिथ की तरफ। हाय गाइस, हमारा लास्ट और आखिरी मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग आज इस टूल के अंदर जाने के बाद रिच मैन लिखते हैं तो हम लोग बहुत ही अमीर इंसान बन जाएंगे। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ आज इस टूल के अंदर और इधर आने के बाद मैं जल्दी से लिख देता हूँ रिच मैन, तो देखते हैं क्या होता है। फाइनली गाइस, मैंने लिखने के बाद सही पे क्लिक भी कर दिया पर अपने गेम के अंदर भी कोई भी रिच इंसान नेट नहीं हुआ तो इसलिए भाई मिथ बस्टेड है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतने। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।